नमस्कार, मैं हूं किरण, आप देख रहे हैं न्यूज टाइम नेशन। वक्त हो चला है अपराध जगत से जुड़ी बड़ी खबरों का। सुल्तानपुर में कुड़वार विकास खंड के बहमरपुर ग्राम पंचायत में बीएसए दीपिका चतुर्वेदी ने प्रधानाचार्य का वेतन रोकने का आदेश जारी किया है। बताया जा रहा है कि यहां 2 किलो आलू, 2 किलो मटर और 1 किलो टमाटर के सहारे 185 बच्चों को मिड डे मील परोसा जा रहा था। सुल्तानपुर में जयसिंहपुर कोतवाली के नथईपुर गांव में लोगों ने चोर को पकड़कर उसकी जमकर पिटाई कर दी। बताया जा रहा है कि ग्रामीणों की मारपीट से आरोपी की मौत हो गई। सुल्तानपुर में धमौर थाना क्षेत्र के रामापुर गांव में एक युवती ने फांसी लगा ली। बताया जा रहा है कि युवती मानसिक रूप से अस्वस्थ थी। सुल्तानपुर में धमौर थाना पुलिस पर दुष्कर्म के आरोपी को ना पकड़ पाने का आरोप लग रहा है। बताया जा रहा है कि मामला करीब 2.5 महीने पहले दर्ज हुआ था और अभी तक आरोपी फरार है। सुल्तानपुर में पारा बाजार पुलिस चौकी से महज 500 मीटर की दूरी पर लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। बताया जा रहा है कि बल्दीराय थाना क्षेत्र के हलियापुर कुड़वार रोड के सहजौरा से ज्वेलरी व्यवसायी से सोना चांदी से भरा बैग लूटा गया है। अमेठी में आबकारी टीम ने ग्राम हतवा, अजीम का पुरवा और मवई आलमपुर में आकस्मिक दबिश दी। दबिश के दौरान 35 लीटर अवैध कच्ची शराब और 300 किलो लहन नष्ट किया गया। रायबरेली में शहर कोतवाली क्षेत्र के जीजीआईसी स्कूल के पास एक महिला से लूट हो गई। महिला का कहना है कि वो जिला अस्पताल से अपना इलाज करा के वापस लौट रही थी, तभी रास्ते में ये वारदात हो गई। रायबरेली में सदर सर्किल की महिला सीओ ने बार चलाने वालों को रंगे हाथ पकड़ा है। बताया जा रहा है कि यहां ढाबे पर देर रात बार चलाया जाता था। अयोध्या में 4 महिला सिपाहियों को एसएसपी ने लाइन हाजिर कर दिया है। इन सभी पर आरोप है कि ये श्रीराम जन्मभूमि में वीवीआईपी ड्यूटी के दौरान वायरल गाने पर वीडियो बना रही थी। प्रतापगढ़ के 3 सेना में तैनात जवानों का प्रमाण पत्र फर्जी पाया गया। बताया जा रहा है कि लालगंज तहसील के उदयपुर थाने के पूरे बान गांव के रहने वाले मोनू कुमार, हैप्पी कुमार और अंकित कुमार फर्जी दस्तावेज देकर सेना में भर्ती हुए थे। जौनपुर में थाना किराकत पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी का नाम अवनीश कुमार बताया जा रहा है। जौनपुर में थाना गद्दी बाजार पर एक शख्स ने सोशल मीडिया पर बदनाम करने का मुकदमा दर्ज कराया है। बताया जा रहा है कि आरोपी का नाम विकास सिंह है, जिस पर पहले से ही कई मुकदमे दर्ज हैं। लखीमपुर में थाना गोला पुलिस ने वारंटी टिंकू को गिरफ्तार किया है। आरोपी पर धारा 4/25 आर्म एक्ट से जुड़े मुकदमे दर्ज हैं। लखीमपुर में मैलानी पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी का नाम सोनू बताया जा रहा है। मुरादाबाद में एंटी करप्शन टीम ने चकबंदी विभाग के लिपिक को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि आरोपी लिपिक यशवंत सिन्हा ने जमीन का दाखिल खारिज कराने के नाम पर 10,000 रुपए की मांग की थी। मुरादाबाद में टांडा थाना क्षेत्र के गांव सिकंदराबाद में रहने वाली एक महिला की ट्रक के चपेट में आने से मौत हो गई। महिला की मौत से परिवार में कोहराम मचा हुआ है। कन्नौज में भाजपा विधायक के करीबी पूर्व प्रधान की हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि पूर्व प्रधान अरुण शाह के छिबरामऊ विधायक अर्चना पांडे के काफी करीबी हैं। आपको ये खबरें कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आप ये खबरें फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इन खबरों से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।